महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि हनुमान जी से बड़ा ना तो कोई सौभाग्यशाली था और ना कभी होगा। पर हनुमान जी क्यों और कैसे सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको ये समझाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्री राम को बार बार प्रभु कहकर संबोधित किया है। जैसे बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगनते ही उठब न भावा। दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने ही हनुमान अष्टक में हनुमान जी को महाप्रभु कहा है। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चरमारो। इसी प्रकार सीता जी के हरण के दौरान अरण्य कांड में श्री राम को वीर कहकर संबोधित किया है। हा जग एक वीर रघुराया, पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को सभी जगह महावीर कहकर संबोधित किया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से उनको अपना बना लिया। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मतलब हनुमान जी सीता राम जी के लिए सदैव विशेष हैं, क्योंकि उन्होंने सीता राम जी को आत्मसात कर लिया है। और जिसने श्री सीता राम जी को आत्मसात कर लिया, उसके सौभाग्यशाली होने में भला क्या संदेह है। तो हुए ना हनुमान जी सबसे बड़े सौभाग्यशाली। जय बजरंगबली।